हाय फ्रेंड्स। सो बेसिकली जो हम लोग स्टूडेंट्स लोगों को होमवर्क दे रहे हैं एंड उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम हम लोग को बिल्ड करना है, आप लोगों के पास एक पीडीएफ का रिपोर्ट आना शुरू हुआ होगा। सो बेसिकली हर एक स्टूडेंट का होमवर्क हम लोग सबमिट करा रहे हैं एंड उसका एंट्री हो रहा है। आपके बच्चे का जो होमवर्क का रिपोर्ट है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे। ऊपर आप देख सकते हैं जो भी क्लास का नाम है वो आपको दिख जाएगा, जो भी उसका इनरोलमेंट आईडी, हर एक बच्चे के पास एक इनरोलमेंट आईडी है। जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आया होगा जिसे जिसमें इनरोलमेंट आईडी है और ये बच्चे के पास भी है। सो बेसिकली एक स्टूडेंट 9th में अनुष्का एंड इसका एक रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल लेफ्ट साइड में होमवर्क स्टेटस दिखेगा आपको। होमवर्क स्टेटस में हर रोज जो होमवर्क मिल रहा है, तो इनकी क्लासेस अल्टरनेट डेज में चल रही हैं और हम लोगों ने हर क्लास के लिए होमवर्क साइन किया हुआ है। 4th अप्रैल से होमवर्क मिलना शुरू हुआ था, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th। बेसिकली उन सारे दिन जहाँ जहाँ इनको होमवर्क मिला है वो सारे होमवर्क हम लोग यहाँ पे अपडेट करते जा रहे हैं। जो जो असाइनमेंट स्टूडेंट ने सबमिट किया है उन सब असाइनमेंट्स का सबमिशन होते ही यहाँ पे रिपोर्ट डन हो जाएगा। अगर स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है या कोई होमवर्क सॉल्व नहीं किया है बेसिकली वो रिपोर्ट नॉट डन में आएगा। ये रिपोर्ट हम लोगों ने लास्ट वीक क्रिएट कराया था, ये रिपोर्ट आपको वीकली मिलेगा, इसलिए रिपोर्ट में 14th अप्रैल लास्ट डेट है। इस वीक के रिपोर्ट में इस वीक के लास्ट वर्किंग डे के तक के रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें रिपोर्ट में दो तीन चीज़ें और भी हैं। जो यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है सॉरी फोर्थ, इसमें आप असाइनमेंट नेम देख पाएंगे और उस असाइनमेंट नेम में कौन कौन से असाइनमेंट है वो एक सीक्वेंस में आपको मिलेगा। बगल में असाइनमेंट का लिंक भी यहाँ पे, अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप असाइनमेंट आराम से बेसिकली ओपन कर सकते हैं कि कौन सा असाइनमेंट है, उसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एंड इसके बाद एक छोटा सा इसमें रिपोर्ट सिस्टम है, टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, क्या परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट है। एंड बिल्कुल राइट साइड में आप ये भी चेक कर सकते हैं, जहाँ जहाँ 4 मार्क्स असाइंड है मतलब क्वेश्चन सही अटेम्प्टेड है, जहाँ जहाँ -1 जो रेड सेक्शन है, -1 मतलब क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्टेड है, और ये जो येलो सेक्शन है 0 मतलब ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है। ओवरऑल हर होमवर्क में 20-20 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस बेसिकली डन हैं, कितने सही डन हैं, कितने रॉन्ग डन हैं, उनका भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। और आपको अगर ये क्वेश्चन सर्च करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली था क्या, आप आराम से इस लिंक पे मतलब लेफ्ट साइड में जो असाइनमेंट का लिंक है इस लिंक को ओपन करके क्वेश्चन नंबर बेसिकली 6 और 7 चेक कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट का गलत हुआ, जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया है, वो सब क्वेश्चंस आप लिंक के थ्रू देख सकते हैं। यही रिपोर्ट हर एक टीचर्स के पास भी रहेगा कि एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग उन स्टूडेंट्स को डाउट का फैसिलिटी देना शुरू करेंगे, अलग से उनको बुला करके उन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ताकि एक एक माइन्यूट से माइन्यूट क्वेश्चन पर उनका प्रॉपर डिस्कशन होते चले जाए। अगर आपको इन रिपोर्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपके तरफ से कोई इनपुट है तो हम लोग उन सब चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।